है क्या नहीं? क्योंकि कल समय पर चले गए थे, समय पर आ गए। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार में आप लोग पावन तीर्थ में विराजमान है, जहाँ दर्शन करने मात्र से, पेशी करने मात्र से समस्त लोगों की खाली झोली भर जाती है। ऐसे बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आज आए हुए आप सभी भक्त जनों को खूब खूब आशीर्वाद। यहाँ की अद्भुत महिमा, यहाँ का अद्भुत प्रताप, यहाँ का अद्भुत चमत्कार देखे नहीं मिलता है। लाखों लोग बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर पैदल चलकर गाड़ी से, वाहन से, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, चील गाड़ी से, तरह तरह की सुख सुविधाओं से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं से बागेश्वर धाम पर आते हैं। और यहाँ की ऐसी अनुकंपा है बालाजी की, जो भी लहसुन प्याज मांस मंगला बंद कर देता है, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देता है, उसे दुनिया की मांगी। बागेश्वर धाम पर वो प्रकट हीन का कोई नहीं था, जो जगह जगह भटक रहे थे उनके लिए बागेश्वर बालाजी का यहाँ साक्षात। देखो अगर तुम हमें बैठे ना तो हमने चलवा ली चार चाहिए। भयंकर धूप होती है, प्यास भी लगती, पानी भी पीना, धूप ज्यादा होती है, सारा चलेगा। क्योंकि यहाँ की चढ़ोतरी कन्या विवाह में चली जाती, अब भंडारा काय में चले हरुआ में। और कन्या विवाह में भी कम खर्चा थोड़ी होता, एक बेटी को लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान देना पड़ता एक बेटी। इस बार एक एक मोटरसाइकिल दे रहे, 85,000 की तो एक मोटरसाइकिल पड़ रही, अरे 151 मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। हनुमान जी कर रहे हैं, सब करवाने वाले बालाजी, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, कमी कुछ है नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं है। हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि बागेश्वर बालाजी की बड़ी अद्भुत अनुकंपा, तो साधन जरूर कम है हम मानते हैं, तो मैं बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, धक्का भी लग रहा है, हम मानते हैं, लेकिन साधन नहीं है तो क्या हुआ, साधना तो है। तुम साधन भोग में थोड़ी आए, 5-स्टार होटल में थोड़ी आए, तो तुम्हें पानी भी मिले, फिर पनीर भी मिले, रस मलाई भी मिले, फिर चाउमीन, फिर डोसा, फिर पिज्जा, तो तुम 5-स्टार में थोड़ी आए, दरबार में आए, तीर्थ में आए, तीर्थ में तो दर्शन धक्का मुक्की जितना कहते हैं लोग, तीर्थ में जितना साधनहीन हो उतना भजन ज्यादा हो। डीजे भैया हम बनाते हैं, आप नीचे बैठे हैं। कमरे में पड़े हो तो टीवी देख रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, कमरे में नहीं है, बाहर खुले में मोबाइल चलाना भी चाह रहे फिर भी नहीं चला पा रहे, सो जबरदस्ती कर रहे हो, बागेश्वर में हो, बागेश्वर में हो, बागेश्वर में हो, बागेश्वर है। इसलिए आज के दरबार में, आज का इस सत्र का 3 दिवसीय दरबार का विराम दरबार है, क्योंकि आज हम दरबार लगाने के बाद तुरंत गया जी प्रस्थान करेंगे। वहाँ की सरकार ने हमें कथा के लिए अनुमति नहीं दी, हमने पूछा क्या बात है, बोले आपको संभाल पाना मुश्किल है, हमकी बात भी सही है। 100-150 यजमान बागेश्वर धाम के शिष्य गए हैं, जिनका त्रिपिंडी श्राद्ध चल रहा है, और हमने सबके लिए 11 पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पाठ बैठाए हैं। जितने लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं उनके पितर मुक्त हो जाएं। हमने सबके लिए 11 पाठ श्रीमद् भागवत के मूल पाठ बैठाए हैं। जितने लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं उनके पितर मुक्त हो जाएं। उसमें पूजन करने के लिए हम स्वयं जा रहे हैं, 2 दिन हम वहां रहेंगे, इसके बाद 5 तारीख को वहां से चलेंगे। राजस्थान की भूमि में एक जिला है अलवर, अलवर पहुंचेंगे, अलवर में 6 और 7 तारीख का 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगाएंगे, और इसके बाद 8 तारीख को वापस आ जाएंगे रात तक, और 9, 10, 11 3 दिन का फिर बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लगाएंगे। 9, 10 और 11 3 तारीखों में हम बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। थोड़ा दरवाजा खोलकर इन लोगों को भीतर बुला लो, इतने भाग्यशाली लोग हो तुम, तो मरे जा रहे भी बाहर धूप में खड़े, उनको लगता है कि भीतर अब मिल रहे हैं, दान तक मिल रहे हैं, कोई नंबर मत किया हो सकता है, और जो नहीं पति का चीज एक जब भी बताया जाता है,
साधु जी सीताराम। अरे साधु जी सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय। न्यासी बाबा की जय। दुर्ग दरबार की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। भारत भूमि की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। तो आगामी सूचनाएं हमने दे दी हैं। आज का दरबार बिना विलंब किए बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। ज्यादा रिकॉर्डिंग प्रारंभ करते हैं। रिकॉर्डिंग होने से क्या फोटो बहुत बढ़िया खींच ले बाबा के। आप लोग मनवे राम नाम जप करो। प्रॉब्लम है ना, से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। बालाजी बड़े दयालु और कृपालु हैं। देखो कबूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान कान, कभी तो सुनाई देगा। और संत कबीर दास जी कहते हैं, हिला रहे हो यार, चीटी के पग नूर पर बाजे तब भी साहब सुनता। चीटी के पैरों की भी आवाज हमारे बालाजी सुनते हैं। देखो अब तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी बात है। हम तुमसे पूछते हैं, भोजन के बिना तुम लोग कितना दिन रह सकते हो? दो दिन, ज्यादा ज्यादा तीन। अच्छा पानी, पानी के बिना कितने दिन? पांच छह दिन। एक सूख जाए। अच्छा हवा, तुरंत हवा के बिना एक ही मिनट गड़बड़ हो जाए तो आदमी गड़ा हो गया खत्म। एक मिनट हवा भीतर बाहर ना हो काम हो जाता। हवा के बिना एक घड़ी नहीं रह सकते, एक मिनट नहीं रह सकते, एक पल नहीं रह सकते। भोजन के बिना दो तीन दिन रह सकते, पानी के बिना एक दिन रह सकते, लेकिन हवा के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हवा बहुत जरूरी है। हवा का एक नाम है पवन, और पवन नाम एक पर्यायवाची हवा का ही है। हम यही कहना चाहते जिस प्रकार हवा पवन के बिना एक मिनट नहीं रह सकते, वैसे पवन पुत्र के बिना भी एक पल नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे वीर बजरंग बली भी क्या है? अनिजन पुत्र पवन सुत नामा नामा। हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं, तो पवन पुत्र के बिना भी तो नहीं रह सकते। नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। पता नहीं तुम लोग रह पाओ या ना रह पाओ, पर मेरे पागलो हम इतना ही तुमसे कहना चाहते, पवन पुत्र के बिना कोई नहीं रह सकता है। क्योंकि कलयुग में संकट कटे मिटे सब पीड़ा। जोर सुमरे हनुमत बलवीरा। समस्त संकटों का विनाश करने की सामर्थ्यता इस युग में अगर किसी के अंदर है तो वर्तमान में केवल और केवल वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज के पास। दिक्कत कर रहे हो आप, नहीं दिक्कत कर रहे हो, समझो अब दिक्कत कर रहे हो आप। क्या दिक्कत कर रहा हूँ आप? यूपी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आकर के कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या स्वीकार होगा? नहीं। जोर से बोलो नहीं। अच्छा कोई भी नियम पारित करे तो यूपी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं कर सकता। यहाँ तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की चली। हाँ जी या ना जी? हाँ जी। हाँ मुख्यमंत्री जरूर कहलाएगा, प्रोटोकॉल होगा, सम्मान होगा, मुख्यमंत्री कहलाएगा, आरती पूजा होगी जो होती है। वैसे ही देवताओं में देवता तो सब हैं, पर राजा हनुमान जी हैं, तो पूजा सबकी होगी, पर हस्ताक्षर फाइल पर हमारे भाई साहब के ही होंगे। इसलिए तो मैं गांव में राम जी के मंदिर मिले या ना मिले, कृष्ण भगवान के मंदिर मिले या ना मिले, शंकर जी का मंदिर मिले या ना मिले, बजरंग बली का जरूर मिलेगा। हर मोहल्ले में गली गली में वीर बजरंग बली मिले। ये इतने सरल इतने सस्ते देवता है, कहीं नहीं तो पहाड़ी में पता चले पत्थर ही में प्रकट हो जाए। अरे पत्थरों की कौन पूछे, पत्थरों की तो छोड़ा, वीर बजरंग बली इतने सस्ते और सरल देवता है कि पेड़े की खूंट में ही प्रकट हो जाते हैं। लो सिंदूर लगाओ हनुमान जी तैयार। सिंदूर लगाया लाल लाल देह लाल देखत में तन विशाल, होटन पे लाली लगी, जय बोलो वीर बजरंग बली। तुरंत हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हनुमान जी है कलयुग के राजा। कौन है? राजा। इसीलिए भारत के लोगों हम तुमसे कहना चाहते हैं, हनुमान जी है कलयुग के राजा, सब त्याग कर इनकी शरण में आ जा। आ क्यों जा? अब तुम पूछोगे क्यों आए, क्या फायदा है, कटरी के बड़े घाटा क्या? तुम पूछते हो फायदा क्या, हम कहते तुम घाटा बताओ। तुम कहोगे अरे हम तो बहुत हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत दिनों से मानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी के भक्त नहीं हो जाते हैं, हनुमान जी की मानने से हनुमान जी के हो जाते हैं। तो हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी का काम कुछ नहीं है। हनुमान जी जहां भी रहते राम काज करते, राम 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 करते, और हम लोग काम काज करते। हनुमान जी क्या करते? राम राम काज। हम लोग क्या करते? काम काज। अच्छा हम लोग भी इतने विचित्र हैं,
हनुमान जी के एक आदमी हमें मिला, हमें कहा और बताओ बजरंगबली की सेवा कैसी चल रही, बोले बहुत बढ़िया चल रही पर हैरान। हमका हैरान हो तुम, बोले हैं। हमका क्या हुआ, अरे बोले 20 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं कुछ नहीं आज तक। हमने कहा आज तक कुछ नहीं, बोले 1%। हम कहा करे ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर पा रहे, अरे बोले कर्जा है नहीं चुक पा रहा। कर्जा कितने का, बोले 27 लाख। हमने कहा तुमने पूजा में क्या किया, बोले हमने हर मंगलवार एक नारियल चढ़ाया। हमने कहा ठटरी के बारे मान लो 20 रुपया का भी एक नारियल है तो तुमने हर मंगलवार नारियल चढ़ाया होगा, 4 लाख रुपया का नारियल चढ़ाया, वो 4 लाख में तुम 27 लाख का कर्जा चुकाना चाहते। हनुमान जी मूर्ख है क्या, अरे हनुमान जी को नारियल चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, हमसे कोई पूछे कि फिर हनुमान जी को हम चढ़ाएं क्या, अपने मन को अपने आप को ही सदा सदा के लिए हनुमान जी को चढ़ा देना चाहिए। जहां तुम अपने मन को अपने आप को वीर बजरंग बली के चरणों में चढ़ा दोगे वहीं पर तुम्हारा काम काज भी राम काज हो जाएगा। और यहां जितने लोग बैठे हैं हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते, हनुमान जी को तो मानते हैं हनुमान जी की नहीं मानते। और हनुमान जी कहते क्या है, हनुमान जी एक ही बात कहते हैं, देखो हमें तो भगवान राम का नाम प्रिय है, ऐसे ही भारत के लोगों तुमको भी भगवान का नाम प्रिय होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान पदार्थ से प्राप्त नहीं होते, तुमने नारियल चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिए, रसगुल्ला चढ़ा दिया, कई लोग तो कंटेंट करते, वो करते क्या करते, करते अनुबंध, हिंदी में उसे अनुबंध कहते, समझौता, भगवान के पास जाएंगे। हमारे पास भी कई लोग आते, एक आदमी गांव का हमारे पास आए, हमका और बताओ इसलिए आयो, बोले गुरु जी हमारे घर में गड़ा हुआ धन है। हमका खतरी के बने गड़ा हुआ धन है तो हमें क्यों बता रहे, खुद खोद लो। बोले नहीं नहीं बोले निकल नहीं रहा, अगर निकल जाए 20% तो मैं कन्या विवाह के लिए दे देंगे। हमका हमें तो नहीं जाना, तो होते तो तुम्हारा धन खोदने जाते, खुद का ना खोद लेते, 100 का 100% नहीं रख लेते। उन्होंने कहा कि आप जानते क्या, हमका हम जानते नहीं, हम तो केवल बजरंग बली को मानते और वही सब जानते हैं, हनुमान जी सब जानते हैं, इसलिए मेरे पागलो ये। अच्छा ऐसे लोग भी तुम्हें बहुत मिलेंगे, ऐसे लोग एक ऐसे दरबार लगाने वाला एक चच्चा, तुमने देखा होगा बसों के ऊपर रैपर चिपके रहते हैं, फलाने सुलेमानी बाबा 24 घंटे में चमत्कार देखिए, और उसमें फिर डिटेल में लिखा रहता, गड़ा हुआ धन पाए, मन चाहा प्यार पाए, वसीकरण स्वतंत्र से छुटकारा, वसीकरण करवाए, स्वतंत्र से छुटकारा, मन चाहा प्यार पाए, गड़ा हुआ धन 24 घंटे में गारंटी के साथ। और जो चच्चा ये रैपर लिख रहा था उसी की लुगाई पड़ोसी के साथ भग गई। जो ये काम कर रहा था कि मन चाहा प्यार पाए स्वतंत्र से छुटकारा, उसी की लुगाई पड़ोसी के साथ फरार हो गई। हमारे पास आए, हमका क्या हुआ, बोले हाल वे हाल है। तो हम तुम्हें ये कहना चाहते कि ऐसे भी कम नहीं है इस भारत में जो बड़े बड़े बैनर लगाएंगे, बड़े बड़ी बातें बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें वो इसलिए बोलते हैं ताकि बड़े बड़े लोग फंस जाएं, और हम तुम जैसे साधारण लोग फंस भी जाते, अब बाद में कहते भगवान नहीं होते। इसलिए मेरे पागलो हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, 100 की सीधी बात, सपाट बात, वैसे तुम्हें समझ में नहीं आनी तुम्हें तो भू चाहिए, जब तक झाड़ फूंक ना कर दे, भगवती नाम बता दे, दे, दे। हद हो गई, हम तुम्हारे ही बाप का नाम तुम्हीं को बताते हो, तुम ताली पीटते, देखे ना तुम क्या कलयुग आ गया, तुम्हारे बाप का नाम तुम्हीं को बताते हो तुम ताली पीटते, तुम्हारे ही प्रश्न जो तुम्हारे साथ घटना हुई है वही तुम्हें बताते हो, तुम ताली पीटते हो, कह दो चमत्कार हो गए। कितने मूर्खतापूर्ण बात नहीं है, चमत्कार मन की बात बता देने से नहीं होता है, आपकी समस्या बता देने से चमत्कार नहीं है, समस्या का समाधान हो जाने से चमत्कार कहलाता है। और हम तुमसे ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि तुम इन चक्करों में बंद करो पढ़ना। और हमारी एक विशेष आदत है, हम जब भी वैसे तो हमें मौका मिलता नहीं है, बहुत अंग्रेजी में बोले तो IMBG में दिन रात चक्की जैसे बने रहते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है हमारा, भले ही 20 मिनट हो हमने कभी सरकार की सेवा नहीं छोड़ी, आज तक हमारी सरकार की सेवा नागा नहीं, प्रतिदिन हमने की, मंदिर नहीं जा पाए तो कमरे ही में कर ली, लेकिन सेवा की। तो आज तक की सेवा में जो गुरुजी ने हमें चूरन चटनी दे रखी, मंत्र कृपा लीला जो भी है, हम अनपढ़ गवार आदमी, मूर्ख आदमी है, बहुत ही गांव के ठेस देहाती है, जिसे कहते ना देहाती घूस,
हम वही है, लेकिन आज तक की सेवा में हमने अपने आराध्य से, अपने बालाजी से एक ही प्रार्थना की कि हम किसी के मन की बात जान पाए, बता पाए या ना बता पाए, पर हे बालाजी जो भी दरबार में आवे वो खाली हाथ ना जावे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और इसका परिणाम इतना सार्थक निकल रहा कि आज तक लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम पर आते हैं, प्रतिदिन 2-5 हजार लोग तो आते हैं, मंगलवार को 2 से 2.5 लाख लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं, और बागेश्वर धाम का इतिहास है खाली हाथ आए, पर आज तक सब लोग झोली भर कर लेकर गए हैं, रोते हुए आए और यहां से हंसते हुए गए हैं, और तुमसे भी कहते हैं कि तुम भी हंसते हुए ही जाओगे। लेकिन शर्त एक, नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल ही गा लें, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब एक आदमी हमें मिला, हमका क्या हुआ, बैठ जाइए, हमका क्या हुआ, बोले जो है बैठ जाइए, बैठ जाइए, हमका क्या हुआ, अरे बोले गुरु जी 22 बार आ गए, मिल नहीं पाए, काम नहीं हुआ, हमने कहा ठटली के बारे काम नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब वो बोले तो हमने मान लिया, हमने कहा हे गुरु जी इनका काम क्यों नहीं हुआ, तब बाद में पता लगा कि वो 6 दिन पगुआ पिया था। हमका क्यों भाई ये पीते रहे, बोले आपने हमसे कहा था लहसुन प्याज बंद कर देना, भगवान की कसम हमने लहसुन प्याज छुआ तक नहीं आज तक। हमका पीना, बोले पीना छोड़ा नहीं, बताओ कहां से काम हो जाए, हम क्या करेंगे फोन का, हम बाद में बुला लेंगे आपको, माता जी तुम भी बैठ। उमर तो हमने कहा क्यों भाई पीना नहीं छोड़ा, बोले गुरु जी आपने रोका ही नहीं, हम तुमसे प्रार्थना ये करना चाहते, तुम नियम का पालन करो ना, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करो ना, तो कैसे कृपा होते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, महीने में एक बार, 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू करो, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। और दूसरी बात, ये सब तो बहाना है, दरबार भी बहाना, बालाजी का बनाना भी बहाना, हमारा ध्येय तो केवल हिंदू राष्ट्र बनाना है। और बालाजी की ऐसी पूंछ घूमी कि अब हली उल्लाए वालों की ठटरी बढ़ गई, बेचारे गठरी और ठटरी बांध के जा रहे वापस, हैरान है हमसे, इतने बौखला गए कि बेचारे प्लांटेड लोग मारने के लिए भेज रहे, फिर भी अब क्या बताएं, फिर भी हम उनकी ठटरी बांध रहे हैं। उन्हें लगा बाबा डर जाएगा, हमने कहा तुम्हें लगता है बाबा डर जाएगा, गीदड़ डरते हैं शेर नहीं डरते हैं। और तुमसे भी हम यही कहना चाहते हैं मेरे पागलों, जितने आज दरबार में आए हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे, हम अपने लिए नहीं बोल रहे, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, हम चाहते हैं तुम दर दर ना भटको, हम चाहते हैं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां रामचरित मानस के बारे में और राम के बारे में जान पाए, हम चाहते हैं तुम्हारा क्षेत्र कश्मीर जैसा ना बने, हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटी किसी भी मुसलमान के चक्कर में ना पड़े। इसीलिए पागलो हमने प्रण लिया है, जाग जाओ, अरे हली उल्लाह करने वालों की ठटरी बारो, और उसके लिए हमने एक सिद्धांत बनाया, तुम मेरा साथ दो हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बल्कि है बड़ी आफत, जब से हमने ये मोर्चा खोला है तब से कईयों की दुकानें बंद हो गई, कईयों के दिमाग खराब हो गए, लेकिन हम तो यही कहना चाहते कि जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम सनातन के काम आते रहे। इसलिए तुम लोग भी जागो, राम नाम का जप करो, और एक बात, जगह जगह भटकना बंद करो, हमारे पास भी आना तुम बंद करो, जुड़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ, किससे जुड़ जाओ बोलो, अरे जोर से बोलो, बागेश्वर बालाजी से। क्यों? क्योंकि वह स्वयंभू बालाजी है, साक्षात रूप से विराजमान है, सन्यासी बाबा की तपोभूमि है, और जिनकी कृपा से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनकी कृपा से जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, उनके मुंह पर तमाचा मारते हैं, तुम भी ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारे भी जो बाधा होगी उस बाधा में कभी भी तुम्हें जिंदगी में फंसना नहीं पड़ेगा। देखो एक बात हो, भगवान से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास समस्या नहीं आएगी,
भगवान से जुड़ने का मतलब ये है, समस्या तो आएगी पर लड़ने की क्षमता 10 गुनी हो जाएगी। इसलिए हमको अगर आप मानते हो, हमारी बात मानते हो, तो एक प्रार्थना सुन लो। पूछो क्या? पूछो क्या? प्रार्थना ये है, आज के बाद हमारे चक्कर में ना पड़ो। खैर तुम्हें पिंड हमारे छोड़ना नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना अगर तुम मानो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ो। शर्त दो है, मंदिर जाओ बालाजी से जाके कह दो आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद तुम्हारी समस्या पर तुम्हारी नहीं रहेगी, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो जाएगी। जो भी जानकारी लिया करो, कार्यालय से लिया करो, किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, किसी की बातों के चक्कर में ना पड़े। आजकल धोखे धंधे से कुछ लोग हमारे साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, पर दुनिया को बताते हैं कि हम तो गुरु जी के साथ ही खाते हैं। एक कल ऐसे ही कांड आया, अरे बोले हम तो गुरु जी के कमरे में जाते हैं, कमरे में साथ जाते हैं, हमें बताते हैं क्या करना क्या नहीं करना। और आगे के लगे ने जबरदस्ती धक्का मुक्की खा के फोटो खिंचवाई हुई है कभी 1.5 साल पहले, और उसने लगभग लगभग 2-3 लोगों को शिकार बना दिया, उनसे कह दिया तुम टेंशन 5,000। और बीच में तो बड़ी आफत हो गई थी, बीच में तो लोग फोन लगाते थे, उसमें मोबाइल पर डाल देते थे बागेश्वर धाम गुरु जी से 1100 रुपए में डायरेक्ट बात कीजिए वीडियो कॉल पर, वीडियो कॉल 1100 रुपए। एक दिन हमारा ही मन नहीं माना, हमने लगा दिया फोन, एक मोबाइल लिए थे, हमने मोबाइल लिया, हम कहा हेलो, हाँ बोलो, सामने से आवाज आई जय बागेश्वर धाम। अरे हमने कहा भैया बहुत हैरान है, गुरु जी से बात कर रहा हूँ, हम तो बहुत परेशान। वो बोला ठीक है रो मत, हो जाएगी, गुरु जी अभी पूजा में बैठे। अरे यार भैया हमने कहा पूजा बाद में कर लें, हम मरद धरी, हम आपको बहुत ज्यादा है भैया, पूरा घर बर्बाद हो, हम बहुत हैरान है, हमारा बहुत जरूरी है बात करना, कृपा करके 1 मिनट करवा। ठीक है बोले 1100 लगे। क्या बोले? 1100 लगेंगे। हमने कहा ठीक है भैया 300 ले लें। बोले नहीं नहीं फिर ठीक है, इतने ज्यादा गरीब हो कोई बात नहीं, 700 रुपया पेटीएम कर दो। बोले कौन बोल रहे हैं? हम का ठठरी के बड़े, हम भी बोल रहे हैं जिनसे तुम अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, जिनके नाम से तुम बाल बच्चे पाल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। उसके बाद फिर नंबर ऑफ हो गया, फिर नहीं लगा लो रखे, पर एक बिटिया बोलती रही दिस इज नंबर से चौया। मोबाइल देने हैं हमें, हम क्या करें, नया मोबाइल देने के। यार बेटा खोलो तारो खोलो, ये दान जाता है जब देने के लिए आए, कौन मना कर। थोड़ा सा आगे आ जाओ, वहां जेसीबी चल रही है, छत डलना है वहां पर, थोड़ा आगे आ जाओ, बुलडोजर चल रही, इसमें सीमेंट डली है, अब दूसरी ऑफर कौन माने, मोबाइल गाड़ी चील गाड़ी लुगाई मकान शॉपिंग मॉल, ये सब सफेद हाथी है, तो लगवाने वाले दूसरों की लगवाते वाले। जय सिया राम। चलो लो अब दरबार शुरू करते हैं अपन, मन ही मन सब लोग बालाजी को प्रणाम करो और नियम शुरू कर दियो, और हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी दान शुल्क फीस दक्षिणा ना दे। हाँ एक जानकारी और रह गई, 2024 में यानी 4 महीने बाद, मात्र 4 महीने रह गए, 1 मार्च से 8 मार्च तक शिवरात्रि का कार्यक्रम रखा है,
151 बेटियों का विवाह 8 मार्च को करवाया जाएगा। बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं होते, भाई भी नहीं होते, मामा भी नहीं होते। हमारी प्रार्थना है तुम लोग हमारे घर के सदस्य हो, एक दिन के लिए जरूर आना, उन बेटियों को बहुत खुशी होगी। तो एक दिन के लिए आप लोग 8 मार्च अभी से नोट कर लो, ताकि तुम्हारी नौकरी, ड्यूटी या व्यापार जो भी काम हो तो उसमें आपको असुविधा ना हो गए तो पहले से ही प्लान बना लेना 1 मार्च से 8 मार्च। भागवत भी करवा रहे, रामलीला भी हो रही, 108 कुंडी यज्ञ भी हो रही और बढ़िया मेला भी लग रहा और भारत के सब संतों को भी बुलाया जा रहा है और भजन संध्या के भजन के बड़े बड़े सम्राट भी इस आयोजन में आ रहे हैं, कवि सम्मेलन भी रखा गया। अब हम सामूहिक अर्जी लगा दें ताकि कुछ लोगों को जाने का होता है तो वो बीच में भी जा सकते हैं, तो पंचायत दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे। सीताराम कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत, आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से, हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु, परंतु, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। आप लोग मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, सभी दादा गुरु जी को भी प्रणाम करो और बोलो हमारे साथ ओ बागेश्वराय, बागेश्वराय नमः, नमः ओ बागेश्वराय, बागेश्वराय नमः, नमः ओ बागेश्वराय, बागेश्वराय नमः, नमः ओम, ओम हम, हम हनुमते, हनुमते नमः, नमः ओम, ओम हम, हम हनुमते, हनुमते नमः, नमः ओम, ओम हम, हम हनुमते, हनुमते नमः, नमः ओम। सन्यासी, सन्यासी ओ सन्यासी देवाय, देवाय नमः, नमः ओ सन्यासी, सन्यासी देवाय, देवाय नमः, नमः। मनी मन सब लोग बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिन भक्तों के परचा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं तो रोग में, संकट में, व्याधि में जिस दिन से पेशी प्रारंभ होती है उसी दिन से आराम लगने लगता है और बालाजी की कृपा होने लगती है। हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हमारी, हमारी यह अर्जी, अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो, हम पर, हम पर अपनी, अपनी कृपा करो, कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
आपकी जय हो, आपकी जय हो, सदा जीवन भर, जीवन भर आपके आपके चरणों से, चरणों से जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु परंतु हमारी हमारी यह अर्जी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का मूल के ऊपर से 7 बार उतारा करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना है एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ देना है। दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम ओम बागेश्वराय, बागेश्वराय नमः, नमः ओम ओम बागेश्वराय, बागेश्वराय नमः, नमः बागेश्वराय, बागेश्वराय नमः। जिनको बुलाया जाए आप अपनी वार्ता को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और आपने जो पूछा उसे पर्चे पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख करके आया है और वही लिखेगा जो आपका प्रश्न होगा। आपकी ये सामर्थ्यता नहीं है कि आप पर्चे के बाहर पूछ लें। तो यही कलयुग में हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा आदि के लगे पोल खोलवे आए, अपनी खुलवा करके गए। यही कलयुग में किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। एक गंभीर बात इसमें यह है, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, कि बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो बन गया खटरी के बारे न कटा। भाई तुम काहे को लुका लुका कर रहे, सांप जैसे फटफना रहे, जो सुन पाओ वो तुम पूछो। हम आपकी बेइज्जती करने नहीं बैठे, हमारे पास है देखो भाई भाई ये बहुत हाई फाई। अच्छा और जगह दरबार लगता है तो वहां तो बफरिंग होती है, दूर हो तो यहाँ कनेक्शन मिलाना पड़ता, भाई यही बैठे ही है, सामने टावर लगा है, जहां से कृपा मिली है वो सामने मंदिर ही है। इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। हैं? जा रहे हाँ, कहाँ जा रहे? हाँ तुम निकलो, भैया जी निकलो निकलो निकलो, एक गाड़ी जा रही ना, हाँ निकलो निकलो, अच्छे आराम से लियो, धीरे चलाइए, रुपया पानी है, खर्चा पानी चार है, ले ले अपनी जेब में नहीं, मतलब देना भी हो तो जेब खाली की है। राम हमारे जैसा विचित्र गुरु कौन होगा, अब नहीं है तो नहीं है, अब क्या खाने है। राम आओ गुरु जी पधारो, श्री सीताराम आज के दरबार के क्रम पर कृपा करो। श्री सीताराम, श्री सीताराम, सन्यासी बाबा श्री सीताराम। देखो भाई जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार ये पर्चा भी नहीं कटेगा। बैठ जाओ राम, गुरुजी सीताराम, हाँ पहले तो एक कल की अर्जी रह गई थी क्रम में सायंकाल में, आपकी बच्ची लिए विराजमान है बहन जी, आपकी कल की अर्जी रह गई थी, कल आपकी शाम को स्वीकार हो गई थी लेकिन प्रेत दरबार लगने के कारण पर्चा नहीं बन पाया। उठ बैठो, हाँ दरबार प्रांगण के सामने से पहली अर्जी आज के क्रम की जो स्वीकार हुई
कमलेश नाम के भैया की अर्जी दरबार प्रांगण से स्वीकार हुई है। टी शर्ट पहने हुए विराजमान है, सामने की तरफ विराजमान है कमलेश नाम से। आपकी अर्जी स्वीकार है, आप आ जाएं। जी आप पीछे मुड़ के ना देखें इस तरफ। कमलेश जी आपकी अर्जी स्वीकार, आ जाइए। हाँ आप भी आ जाओ, सफेद बाइक साइड में जो खड़े हुए हैं आप भी आ जाओ। जी आओ जल्दी। दूसरी आइए भैया। हाँ हाँ आपकी अर्जी लग चुकी, आ जाओ। तो भैया उनको बूढ़े दादाजी जो अभी खड़े भाई उनको जरा आगे कर देना। बूढ़े दादाजी जो सिर पर तौलिया डाले एकदम लास्ट में, उन्हें सुनाई दे रहा कि नहीं। हाँ कोई इनके कान में बोलना यही सफेद तौलिया डाले नीली टी शर्ट है जो, इनको कह देना जरा। तीसरी दूसरी राम राम रुजी सीताराम सीताराम बालक तुम भी आ जाओ। शिकर अभी हम गए थे पहली बार आया हूँ यहाँ पे वैसे दरबार में, तो पहली बार मैंने आया हूँ ये वैसे मंदिर में। तीन बार आपने किसी को यहाँ कृष्ण नाम बताया? नहीं बताया। हमें कैसे पता लगा? सर बालाजी के पास। बोलो क्या समाधान पाना चाहिए? गुरु जी मेरे पिताजी की छोटी सी डेथ हो गई थी, उसके बाद में चाचा की डेथ हो गई। मेरे घर में मेरी मम्मी बीमार रहती है, घर में थोड़ा सा नहीं कुछ शांति चाहिए मुझे। एक निजी प्रश्न भी लिखा है, टोटल तीन प्रश्न, क्या पूछें वो मैं गुप्त में। हाँ तो उसी बारे में बिना माइक के भी बोल। हाँ लवेरिया है इसमें ऐसा कोई बड़ी बात हमने ऐसा लिखा। अकाल मृत्यु होती हुई है, रहस्य जानने आए हैं, मन में तीन प्रश्न है, एक निजी जीवन का प्रेम विवाह से संबंधित है, नंबर दो माँ बीमार रहती है, घर में उपद्रव मचा, कार्य सफल नहीं होते हैं, कलेश बना हुआ है, 2026 तक आपके सभी काम सफल होंगे, आगे कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, आशीर्वाद है। क्या एकदम सही? कोई संदेह? पहले से आप किसी को बताया तो नहीं था बराबर? हम डिटेल दे रहे हैं, पहले हम अकाल मौत पर डिटेल दे रहे हैं। परिवार की मिलाकर तीन अकाल मौतें हुई हैं, परिवार की मिलाकर आपकी तीन अकाल मौतें हुई हैं। सन 2000 चूंकि हमारे हिसाब से तो 1998 से शुरू हो गई थी, 1998 से, लेकिन 2004 के बाद, सन 2004 के बाद लगातार दो हुई हैं बराबर। इसके पीछे कारण आ रहा आपके पुत्र एवं बंगाली शक्ति। आप मकान की मिट्टी ले आए, वर्तमान में माताजी को पूरे शरीर में दिक्कत पड़ी हुई है, डर बहुत बना रहता है, बेचैनी बहुत है, उनको रात को कोई सताता है, सपने में उनको परेशान करता है बहुत। बाकी बात तो बताएंगे नहीं चूंकि अब बोलने वाली बात नहीं, तुम सब कांड कर चुके, तुम्हारी शादी भी हो ही गई, निजी रूप में सार्वजनिक भी हो जाए आशीर्वाद। हाँ व्यापार करना चाहिए आप, चूंकि प्रश्न का उत्तर पाने आए, ऊपर आपने नारियल बांधा है, मन में बालाजी से कहा था मंदिर में नारियल बांधते हुए कि हमें रास्ता दिखाएं, सरकारी हो बहुत बड़ा पदयोग हो जाए, ऐसा आपने नारियल बांधा था, लेकिन अगर ये नहीं है तो क्या करें? ये आपने नारियल बांधा था, उसका भी उत्तर आ गया। गुरु जी का कहना है कि आप अगर स्वयं का व्यापार डालते हैं, स्वयं की कंपनी खोलते हैं। क्या नाम? कमलेश जी कहाँ से? लखनऊ। पहली बार है? तो आपने यहाँ नाम आम लिखो, किसी ने पूछा था? पढ़े लिखे हो? गए तो बार बार, हार गए तो फिर अपील। अच्छे से बैठ जाओ। तो तुम्हें भरोसा था कि हम तुम्हें बुलाएंगे भरने में? तुम्हें था नहीं लेकिन दिलाने के लिए ही बुलाया।